हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब बिहारी जी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो ये हमारी आज लाडली जी के दर्शन, हमारे केशव के दर्शन। आज इन्होंने कोई भी श्रृंगार नहीं कराया, क्योंकि आज कहीं जाना नहीं था या कोई घर पर भी नहीं आना था, और आज गर्मी भी थी थोड़ी। तो आज हमारे बच्चों ने आज ऐसे ही दर्शन किए हैं, मतलब ऐसे ही श्रृंगार किया है। नो श्रृंगार, ओनली टी शर्ट जो भी पहना था उन्होंने ये पहना है। इधर हमारी दोनों वैष्णो और काना, इधर हमारे लाला बैठे हैं, इधर हमारे छोटू छोटू बाबू बैठे हैं, ये देखिए, इधर हमारी लाडली जू बैठी है, इधर हमारी चिंगू मिंगू, और इधर हमारे बाबा सब बैठे हैं। तो जो आज का जो हमारा व्लॉग्स है वो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा व्लॉग्स है। पहले तो हम लोग ये मान लेते हैं कि काफ़ी सारे भक्त जो कहते हैं कि हम भगवान को खाना खिलाते हैं, तो भगवान की थाली से खाना कम क्यों नहीं होता है। काफ़ी सारे लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं, हमारे प्रभु के ऊपर गलत सलत भी बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो इसी के ऊपर ही आज हम लोग जो है पूरा ये व्लॉग्स बनाएंगे, ठीक है, कि भगवान खाना क्यों नहीं खाते हैं। और जो हम लोग खाना खाते हैं तो हमारी जो थाली का जो खाना होता है, भोजन होता है, प्रसादी होती है, वो ख़त्म हो जाता है, तो भगवान जी की थाली का भोग क्यों ख़त्म नहीं होता। पहली बात तो देखिए कि आपने पहले हमारे भक्तों की कहानियाँ सुनी होंगी कि जब भगवान जी को वह खाना देते थे तो भगवान स्वयं आके खाना खाते थे, क्योंकि उनकी भक्ति में श्रद्धा होती थी, भाव होता था उनके अंदर, जो कि आज भी भक्तों के अंदर है। भक्त समझने वाले समझ जाते हैं कि हमारे ठाकुर ने खाना खा लिया है, और जो सिर्फ दिखावा करते हैं उनको तो यही होता है कि अभी तक प्रभु ने थाली में से खाना क्यों नहीं खाया। कुछ लोग तो दिखावा क्या करते, फटाफट से खाना बनाया, दिखाया और तुरंत के तुरंत लेकर आ गए ठाकुर जी के सामने से। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी की थाली को कम से कम 10 से 15 मिनट तक उनके सामने रखना चाहिए। 5 निवाले कम से कम ठाकुर जी को अपने हाथों से खिलाने चाहिए, 5 निवाले तो कम से कम। और फिर उसके बाद आपकी इच्छा है कि आप कितना खिला सकते हो उनको, पर 5 निवाले तो आपको ज़रूर ज़रूर खिलाने चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम उसके बाद पे पॉइंट्स पे कि ठाकुर जी हमारे खाना क्यों नहीं खाते हैं थाली में से, हमको क्यों नहीं पता चलता कि हमारे ठाकुर ने खाना खाया है या नहीं खाया है। तो देखिए, इसके ऊपर मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। पहली बात, एक बच्चा था जो गुरुकुल में पढ़ता था, ठीक है। उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी, मैंने भगवान को भोजन दिया है, उन्होंने अभी तक भोजन को क्यों नहीं खाया, ठीक है। तो उनके जो गुरु हैं, उनके गुरु ने कहा कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ अच्छे से। उन्होंने उसको किताब के अंदर कुछ लिख कर दिया और उसके बाद कहा कि आप इसको याद करो, ठीक है। अब उस बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से याद किया। फिर उसने कहा, गुरु जी लो मैंने याद कर लिया, आप मेरे से सुन लो। गुरु जी ने कॉपी लेके और बच्चे से बोला कि सुनाओ। उसने कहा कि अभी तुम्हें सही से याद नहीं हुआ, अभी आप दोबारा याद करो। उसने काफ़ी बार याद किया और काफ़ी बार गुरुजी को सुनाया, तो गुरुजी ने सिर्फ यही बोला कि अभी आपको याद नहीं हुआ। बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया और उसके बाद में उसने गुरुजी से कहा कि आप बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने तो देखो बहुत अच्छी तरीके से याद किया है और मैंने आपको सुनाया भी है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर तूने याद किया है तो इसके जो किताब के अंदर अक्षर लिखे हुए हैं वो यहाँ से गायब क्यों नहीं हुए, अगर तुमने याद किया है तो ये मिटा क्यों नहीं। तो उसने कहा कि ये मिट कैसे सकता है, ये तो मैंने लिखा हुआ है ना, ये मिटेगा थोड़ी, ये तो मैंने ग्रहण कर लिया, मेरे को याद हो गया, मेरे दिमाग में छप गया ये सब चीज़ें। तो कहने लगे कि स्वयं ऐसे ही जब हम अपने ठाकुर जी को थाली में भोजन देने के लिए जाते हैं तो हमारे ठाकुर जी उस भोजन का जो भाव होता है अपने भक्त का उसको ग्रहण करते हैं, और भोजन जो है वो तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं कि इसको तुम खाओ। जो हमारे जो भाव है, जो हमने बनाया है, उसको ग्रहण करते हैं वो, ठीक है। अब इसके ऊपर एक चीज़ मान लीजिए, जब आपके घर होता है, घर के अंदर टॉयलेट होता है, उसकी भी दूसरी क्रिया होती है ना, जब आप खाते हो तो जो हमारी शरीर की मशीन होती है वो गंदा चीज़ बाहर निकाल देती है और अच्छी चीज़ को वो शरीर में ही रखती है, तो इसलिए टॉयलेट बनाया जाता है। अब हमारे प्रभु के लिए तो ऐसा नहीं है ना, हमारे प्रभु जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ भाव को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो वो अपने भक्तों के भाव देखते हैं, इसीलिए भगवान की जो थाली होती है
प्रभु की जो थाली होती है उसके अंदर से भोजन जो है कभी भी कम नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जिस दिन से अगर ठाकुर जी की थाली का भोजन कम होने लगा ना, तो आप लोग ठाकुर जी को भी रखना बंद कर दोगे, क्योंकि कि ठाकुर जी कहोगे कि इतना खाते हैं। इसीलिए भक्त जो हैं कई प्रकार के होते हैं, कुछ दिखाते हैं, कुछ भाव से रहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं। इसीलिए ठाकुर जी की सेवा दिखावे से नहीं, भाव से करिए और संत गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। जैसा वह बोलते वैसा करिए, बुरे लोगों से दूर रहिए, बुरे लोगों की संगत में बिल्कुल भी मत आइए। कोई आपको गलत बोलता है उसको बोलने दीजिए, क्योंकि जो गलत बोलता है आपकी चुगली करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, तो ये हमेशा जान लीजिए वो आपके पाप, जितने भी आपके पाप है ना, वो अपनी जीभ से साफ करता है, आपके मल को अपनी जीभ से साफ करता है, ऐसा भगवद गीता में लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों की चिंता ना करके गोविंद का चिंतन करना सीखो और गोविंद को भाव से प्रेम पूर्वक अपने लाला की तरह उसको प्यार से प्रेम से भोजन खिलाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ और हमेशा खुश रखो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।